जोरावर यानी पंजाबी भाषा में बहादुर और ताकतवर। ये भारतीय सेना के अत्याधुनिक लाइट टैंक का नाम है। ये एक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल है। इसे इस तरह बनाया गया है कि इसके कवच पर बड़े बड़े हथियारों का न तो कोई असर होगा और ना ही इसके अंदर बैठे व्यक्ति के ऊपर कोई असर पड़ेगा। इसकी मारक क्षमता घातक होगी, साथ ही ये बेहतर स्पीड के साथ चल सके। इसके अंदर आधुनिक संचार की तकनीक लगाई जाएगी। जोरावर टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने डिजाइन किया है। अगले 2 साल में इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारतीय सेना को ऐसे 350 टैंक्स की जरूरत है। ये टैंक मात्र 25 टन के होंगे। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की ही जरूरत होगी। इस टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1841 में चीन सिख युद्ध के समय कैलाश मानसरोवर पर मिलिट्री एक्सपेंडिशन किया था। भारत को ये सूचना मिली थी कि चीन ने लद्दाख सेक्टर में अपनी सीमा की तरफ ZTZ-04A और Type-15 लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं। भारतीय सेना ने भी अपनी तरफ से लाइट टैंक तैनात करना चाहिए। पहले भारत ऐसे टैंक्स रूस से खरीदता था, लेकिन बाद में फैसला ये हुआ कि अब ये टैंक्स अपने ही देश में बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट जोरावर की अनुमति मिल चुकी है। असल में ये देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुलाया जा सकेगा। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। माना जा रहा है कि इसकी मुख्य तोप 120 मिलीमीटर की होगी। इसमें ऑटो मैकेनिक लोडर होगा, रिमोट वेपन स्टेशन होगा जिसमें 12.7 मीटर की हैवी मशीन गन भी तैनात हो सकेगी। असल में यही कम वजन होने का फायदा है, लेकिन ताकत मुख्य युद्ध टैंक जैसी ही रहेगी। जोरावर लाइट टैंक साल 2023 से रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। 2024 तक इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इसे भारतीय सेना को एक के बाद एक करके सौंप दिया जाएगा। ये टैंक बनाया ही जाएगा हाई एल्टीट्यूड के लिए, यानी तवांग हो या लद्दाख हो, दोनों ही जगहों पर ये टैंक दुश्मन के ऊपर कहर बर पाएगा।